इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन एंटेलिजेंट इन्वेस्टर देन यू लैंड इड जस्ट एंड द राइट चैनल विद दिसट स्टार्ट द वि हम बात करते हैं एफ एम आई जी प्रोडक्ट्स की तो फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स की जब हम बात करते हैं तो फास्ट मूविंग इंडस्ट्रीयल गुड्स की होते हैं जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती है वैसे फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं विच आई नीडेड टू बी कंज्यूम्ड अगेन एंड अगेन तो अगेन एंड अगेन कंज्यम्शन में क्या होता है कि बेसिकली यूनिट टू कीप रिप्लेसिंग दैम राइट सो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे रीफेक्ट्रीज स्टील प्रोडक्शन का टू टू फोर परसेंट कॉस्ट रीफेक्ट्रीज के अंदर लगता है बट रीफेक्ट्रीज आर प्रॉक्सी टू स्टील प्रोडक्शन ग्रोथ इन इंडिया राइट सो इट्स लाइक एन एफ एम सी जी प्ले राइट कि स्टील प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंडिया के अंदर रिफैक्ट्रीज का ग्रोथ आएगा ही आएगा राइट तो यहाँ पे आरएचआई मैग्नेसटा है आई एफ जी एल है, है अगेन आपको यहाँ पे वैल्यूएशन एनालिसिस खुद करना पड़ेगा कौन सी एम एन सी अग्रेसिवली ग्रो करना चाहती है कौन क्या करना चाहती है जैसे आरएचआई मैग्नीसटा हमने ट्वेंटी ट्वेंटी में भी कवर करा था इस चैनल में उस टाइम पर बट बीच में वैल्यूएशन एट्टी नाइनटी हंड्रेड पी पे चला गया था बहुत एक्विजिशन कर ली इन्होंने बैलेंस शीट को बहुत डेट हैवी और लाइक बहुत वैल्यूएशन कर दिया बैलेंस शीट पर तो आपको इंडिपेंडेंटली पढ़ना पड़ेगा

माइनिंग के अंदर तैगा इंडस्ट्रीज़ और ए इंजीनियरिंग आता है हमने ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे वीडियो करी थी जो मैंने तैगा इंडस्ट्रीज आज से सेवन वंथ्स मैंने कवर करा था सो so बेसिकली जो मिल लाइनर्स होते हैं और जो लाइन्स uh, होती हैं जिसके अंदर ग्राइंडिंग होती है बहुत ज़्यादा मेटल की और ओर की तो वो बार बार चेंज होती है रिप्लेस होती है डैट इज ऑट तेगा इंडस्ट्रीज मेक्स एंड ए आई इंजीनियरिंग उसके जो कंचे होते हैं वो जो बॉल्स होते हैं जिसको हम लाइक ग्राइंडिंग मीडिया कहते हैं डेट इज ऑट ए आई इंजीनियरिंग मेक्स राइट सो गेन एन एफ एम आई जी टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेयरिंग्स के अंदर एसके एफ टिमकिन शाइफलर आशा इंजीनियरिंग जो बेयरिंग रिंग्स बनाता है एंड लाइक रोलेक्स रिंग्स आता है जो बेयरिंग के रिंग्स बनाते हैं राइट राइट सो उसके साथ साथ एसके एफ टिमकिन शाइफलर तो शाइफलर का भी रिसेंटली गाइडेंस वॉज मच बेटर टिमपिन का वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव साइड है सेवेंटी वन टाइम्स तो वैल्यूएशन आपको देखना पड़ेगा बट दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स टायर्स के अंदर इंडस्ट्रीज है बिकॉज एवरी सिक्स टू एट मंथ्स के अंदर आपको एग्रीकल्चर के अंदर जो हैवी टायर्स होते हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता है माइनिंग के अंदर टायर्स को रिप्लेस करना पड़ता है केबल्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एफ एम आई जी बिकॉज टुडे यू कॉन्ट डू एनी थिंग विदाउट केबल्स एंड केबल्स आर यूज ईच एंड एवरी वेल चाहे वो कंट्रोलिंग केबल हो या इंडस्ट्रियल केबल्स हो तो के ई इंडस्ट्रीज है यहाँ पे जो हमने चैनल पर पहले कव करा था इट इज जस्ट डेड इन दैट सेगमेंट राइट अपार इंडस्ट्रीज इसमें आता है आर आर केबल्स आता है पॉली इसके अंदर आता है फिर मैकेनिकल सील में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी आती है Cinematic के नाम से जो बेसिकली रिलेटेड है एनडी इनकम अर्न करती है सील्स के ऊपर राइट सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ यूनिक बिजनेसिस जो सबको इंडिपेंडेंटली पढ़ना चाहिए सो so, सील मैटिक के नाम से बिजनेस आता है अगेन यहाँ पे क्या होता है बिजनेस में कि वन टाइम प्रोडक्ट सेल होती है फिर उसके बाद उस पर आप एनडी इनकम स्टार्ट करते हो कि बार बार यू कीप सेलिंग प्रोडक्ट एंड यू इनकी जो इकोनॉमिक्स होती है डेट इज सच कि इनके अंदर जो साइक्लिकलिटी है इज लेसर देन द एंड इंडस्ट्रीज जैसे अगर हम डिस्कशन करेंगे सपोज रीफैक्ट्रीज का बोलते हैं तो स्टील प्रोडक्शन ऊपर लीच जाते स्टील की प्राइस ऊपर लीचे जा सकते हैं बट रीफैक्ट्रीज की प्रोडक्शन ओवरऑल स्टेबल रहती है मैकेनिकल फील्ड के अंदर क्या होता है कि एक बार आपकी सीन लगी तो थर्टी ईयर्स के लिए आपके बार बार एनिटी इनकम क्रिएट हो जाती है बिकॉज योर सील हैज टू बी रिप्लेस्ड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ थर्टी ईयर द सील का जो अमाउंट है इट इज पेड बैक मोर देन एट टू टेन टाइम्स दैट इज द साइड टाइप ऑफ बिजनेस सो एफ एम आई जी इज़ वन ऑफ द कैटेगरीज प्रोक्सीज के अंदर विच इज़ लाइक वर्थ स्टडिंग इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में टेक्टो क्राफ्ट और टाइम टेक्टो प्लास्ट भी है तो बट दीज आर अबिट लोर आर ओ बिजनेसिस बट अगेन यू मस्ट स्टडी देम इंडिपेंडेंटली बिकॉज दिस इज द यू कैन सी फास्ट इंडस्ट्रियल गुड्स के नेटवर्क इज द मॉडर्न डे नेटवर्क तो ट्वेंटी में हम लोग एक uh, दिल्ली के अंदर ऑफलाइन इवेंट करें वे मोर देन थ्री हंड्रेड टू फोर डिटेल इन्वेस्टर्स एंड देल प्रेजेंटेशन ऑन ब्रॉड थीम एंड रिलेटिव रोटेशनल क्राफ्ट कि आप सेक्टर रोटेशन कैसे पकड़ सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाई नेटवर्किंग ऑफलाइन विद लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स आपको एक बहुत एडवाटेज रहता है बिकॉज आप एक अपना नेटवर्क बना सकते हैं एंड यू कैन साउंड ऑफ योर आइडियाज थो सी यू वन ट्वेंटी So, if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.